लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 152 प्रत्याशियों का नाम है। केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक में नामों के ऐलान पर सहमति बनी है। सचिन पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। बुधवार को हुई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सांसद हरीश मीणा को कांग्रेस ने देवली उनियारा से टिकट दिया है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों के लिए बाकी बचे 48 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी पार्टी शुक्रवार तक कर सकती है। आपको बता दें कि 2013 में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जिन 152 लोगों को टिकट दिया गया था उनमें से 79 लोगों के टिकट काट कर नए चेहरे उतारे गए हैं। कांग्रेस के उन 152 प्रत्याशियों के नाम से पहले हम आपको बताते हैं कि टिकट वितरण में कांग्रेस भाजपा में सबसे ज्यादा किसको वरीयता दी गई है। कांग्रेस में 20 महिलाओं को मौका मिला है जबकि बीजेपी में 19 महिलाओं को। दूसरा, कांग्रेस में मुस्लिमों को 9 सीट जबकि बीजेपी में किसी को नहीं। वंशवाद में कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों को टिकट दिया है और बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों को। वहीं दूसरी तरफ जो पिछले चुनाव में चुनाव लड़े थे उनमें से कांग्रेस ने 73 को जबकि बीजेपी ने 101 लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस के 152 प्रत्याशियों में से किन किन के नाम हैं, चलिए उनके नाम बताते हैं आपको। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।